गाइस से बात है उस जमाने की जब माइनक्राफ्ट में काफी ज्यादा शांति हुआ करती थी। अचानक से बहुत सारे देशों में बहुत सारी लड़ाइयां होने लगी, आपस में ही जमीन के मामले में काफी सारी जंगे शुरू हो गई। एक दूसरे के देशों के सैनिकों ने आपस में ही जंगे स्टार्ट कर दी और गाइस ये जंग इतनी ज्यादा भयानक थी, इसमें काफी ज्यादा विलेजर्स की भी मौत हो गई, काफी लोग भी मारे गए। आपस में सैनिक बहुत सारी लड़ाइयां हुई, एयरप्लेन चले और बमबारी भी बहुत भयानक हुई, जिसमें विलेज के साथ साथ विलेज में रहने वाले लोग भी तबाह हो गए। और गाइस चारों तरफ बम ही बम बरसे और यह जंग इसी तरह से काफी दिनों तक, काफी सालों तक चलती रही। अब तो लोग घर के बाहर निकलने से भी डरते थे क्योंकि दिन रात बमबारी होती रहती थी, गोलियां चलती रहती थी और आसमान से एयरप्लेन बम की बरसात करते रहते थे। बस जहां तक देखो तो जंग ही जंग चलती रहती थी, सोल्जर्स आपस में ही फाइट करते रहते थे। और गाइस ये जंग कुछ ज्यादा ही भयानक हो गई, जिसमें पूरे देश में बस तबाही मच रही थी। 2000 years later. Hello guys, तो कैसे हो यार आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग एकदम बढ़िया से होंगे। तो guys यार इस समय माइनक्राफ्ट में काफी ज्यादा जंगे स्टार्ट है यार। चारों तरफ सोल्जर्स फैले हुए हैं। बस मैं और भैया जैक किसी तरह से घर से बच बचा के निकले हैं। लेकिन अब guys बहुत बड़ी मुसीबतें आ चुकी है क्योंकि सैनिक चारों तरफ दिख रहे हैं हम लोग को। अब हम लोग को घर जाना यार। भैया कैसे जाएंगे यार? ओए मेरे टेंशन ना ले, तेरा भैया फौजी है, इन सभी को तोड़ देगा और फोड़ देगा। ओए चल तू उनकी टेंशन मत ले। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा क्योंकि आज हम लोग की जो फैमिली है ना पूरी 400K की हो चुकी है। ओए हाँ यार भैया मैं भी भूल गया था यार। तो गाइस यार बहुत बहुत शुक्रिया यार इतना ज्यादा सपोर्ट और प्यार देने के लिए। आज हम लोग की इतनी बड़ी फैमिली 400K की पूरी फैमिली हो चुकी है यार। तो गाइस एक बार फिर से मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूंगा यार। तो इसी तरह से अपना सपोर्ट और प्यार हमेशा बनाए रखिए। ओए और इस चैनल पे अभी नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएगा, सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो और फोड़ दो। ए भैया चलिए ठीक है, वो तो अपने दोस्त है, सब्सक्राइब बटन को तोड़ देंगे फोड़ देंगे, लेकिन भैया यार इन सोल्जरों को कौन तोड़ेगा? वो तू टेंशन ना ले, ये देख एक तो टूट गया। ओए भैया यार आप स्नाइपिंग अच्छी कर लेते हैं यार। मुन्ना मेरा स्नाइपिंग साथ साथ 2.5 किलो का हाथ ही बढ़िया चलता है। ओए देखता जा, ये देख एक और गया। ओए हे भैया अभी चारों तरफ बहुत सारे फैले हुए यार। ओए तो टेंशन क्यों लेता है, मैं सभी को तोड़ता हूँ। ओए ये क्या रिलोडिंग में आ गई? ओए फिर भी नहीं छोड़ूंगा, कहाँ चला गया? हे भैया कहाँ गायब हो गए यार? ओए यही तो था, ये रहा। ओए फिर से गायब हो गया। हे भैया यार हम लोग को किसी तरह से बस घर पहुंच रहा है यार। बस घर पहुंच जाए किसी तरह से। मुन्ना मैं उतनी देर से तुझे बोल रहा हूँ ना, जब तक तेरा भैया तेरे साथ है ना तुझे मैं घर क्या कहीं भी पहुंचा दूंगा। ओए अभी चलते हैं मुन्ना घर, बस घर ही तो चल रहे हैं, लेकिन मुन्ना इनको तोड़े फोड़े बिना कहाँ जा सकते हैं। हाँ भैया वो बात तो सही है यार। और भैया ये हम लोग को जाने भी नहीं देंगे यार, हम लोग को पूरी तरह से देख चुके हैं। और भैया अभी तो इन लोगों ने और भी सोल्जर को बुला लिया होगा, और चाहे जितने भी सोल्जर को बुला ले बच नहीं पाएंगे जैक के हाथों से, क्योंकि मुन्ना आज जैक के हाथ में स्नाइपर पड़ गई है। ओए हे भैया यार भला तो ये मनाइए कि मैंने गन्स लेकर घर से चले हुए थे, नहीं तो भैया आज तो बैटरी बच जाती यार। ओए मुन्ना आजकल सभी के घरों में गन्स होती है क्योंकि तू जानता है ना माइनक्राफ्ट में बहुत बड़ी बड़ी जंगें स्टार्ट हो चुकी है। हाँ भैया यार ये जंगे तो 2-3 सालों से चल रही है यार। ए भैया ये रहा ये, और ये ले तोड़ दिया ना। हे भैया बहुत बढ़िया यार। अब चलिए भैया हम लोग को नीचे उतरना चाहिए। ओए अभी से कैसे उतर जाएगा? ओ ये कौन मारा है भैया? ऊपर चढ़िए यार, बच गए यार। ओए कहाँ से मार दिया था? हे यार भैया उधर ही था यार। ओए रुको जा अभी इसको बताता हूँ। ओ ये रे इसका टकला फोड़ता हूँ। ओ ये क्या नीचे चला आया है भैया? ये रहा यार। ओए रुक जा स्नाइपर। ओ ये ले नहीं मारा भैया। ओए अभी मारेगा तो टेंशन क्यों लेता है, कहाँ चला गया? रुक जाइए भैया पहले मुझे अपनी हेल्थ रिकवर करने दीजिए यार। ओए तू हेल्थ रिकवर कर, मैं इन्हें देखता हूँ। ओए यार इनकी गोलियां पता नहीं कैसी गोलियां रहती हैं, इतना भयानक डैमेज देती हैं। ये उतनी देर से यहीं से मार रहा था ना, कहाँ चला गया? हे भैया वो नीचे छुप गया यार। ओए मुझे लगता है मारा गया है। हे भैया ये रहा यार। ओए रुक जा, ओए तू पहले निकल। ओए ये कर लोडिंग में आ गई है भैया, जल्दी मारी नहीं देख लेगा। ओए तू टेंशन क्यों लेता है, ये देख मार दिया ना। हे भैया यार अपना होता है तो मेरा क्या होता भैया? ओए मुन्ना इसीलिए तो तेरी सेफ्टी के लिए तेरा भैया है, और जब तक तेरा भैया है ना मुन्ना तुझे तो पता है ना तुझे कोई टच भी नहीं कर सकता। ओए हाँ भैया वो तो ठीक है। अब चलिए अपने घर की तरफ बढ़ते हैं, चारों तरफ बस भैया देखते रहिएगा। ओए मुन्ना तेरे भैया की निगाह है, चील की निगाह है, चारों तरफ नजर रखती है। ओए वो रहा क्या?
और नमूना ये ले, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। ओए हे भैया संभल कर यार, इसके भी सैनिक आपस में इधर उधर घूम रहे होंगे। ओए तुम मुन्ना इन्हें घूमने दे, आज हम लोग घर पहुँच कर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ओए हाँ भैया एकदम संभल कर चलना यार। पता नहीं यार भैया पूरे देश में कब्जा करके रखे हुए हैं यार, कब भैया यार हम लोग इनसे आजाद होंगे। ओए मुन्ना आजाद होंगे, बहुत जल्दी आजाद होंगे, पहले घर तो पहुँचने देगा किस तरह से। हाँ भैया वो तो है यार। चलिए भैया बढ़ते हैं आगे, मुश्किल वक्त कमांडो सॉन्ग्स। ओए तू ये डायलॉग मत बोल, नहीं तो बम फोड़ दूंगा तेरे ऊपर। और ये रहा नमूना, ये ले है भैया, एक ही लगी उसको। और रुक जा दोबारा देता हूँ ना, थोड़ा पास जाके देने दे, बहुत दूर है। और ये देख भैया की स्नाइपिंग कमाल, और नहीं लगी क्या। हे भैया और पास जाइए, पहले रिलोड तो कर लीजिए यार, मैं तो भूल ही जाता हूँ, कम से कम तू ही रिलोड कर दिया कर, पहले तू निकल ले। ये ले हे भैया गन आप चला रहे, रिलोड मैं करूँ यार। ओए वही तो मुन्ना, अगर रिलोड अगर दुश्मन के सामने आ गए ना तब तो हम लोग की बात बच जाएगी, तू भी निकल ले। देख मुन्ना एक और टपका दिया। चलिए भैया इसी तरह से टपकाते टपकाते घर की ओर बढ़ना है, क्योंकि भैया एक बार घर की ओर बढ़ जाए यार तब तो मजा ही आ जाए। ओ एकदम संभल कर रहना मुन्ना, कहीं से भी दुश्मन आ सकते है। भैया मुझे किसी की आवाज आ रही है यार। ओए मुझे भी आवाज आ रही है। ओए ये क्या पासी में क्या कोई, ओए ये कहां से आ गया। ले ए भैया गोलियां चल रही है यार, मर गए भैया। A few inches later, हे भैया मैंने बोला था यार एकदम संभल कर चलना है, और भैया मुझे आवाज भी आई थी यार। ओए आवाज तो मुझे भी आई थी, लेकिन मुन्ना कुछ ज्यादा ही आ गए थे। ओए तू बेड तो लाया ना। हाँ भैया बेड तो लाया हूँ यार। ओए मुन्ना आवाज तो घर पहुँचने से रहे, अब कल ही चलेंगे। ओए क्योंकि मुन्ना रात भी काफी ज्यादा हो चुकी है। हाँ भैया यार रात तो काफी ज्यादा हो चुकी है। हे भैया मून को देखिए यार जरा। ओए मून तो एकदम कमाल का लग रहा है। ओए देख चारों तरफ सोल्जर फैले हुए हैं, रात में तो और भी ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं सोल्जर। ओए हाँ भैया यार, ए भैया ये कौन मार रहा है यार। ओए ये हड्डी कहाँ से आ गया। ओए वॉर चल रही है, ये हड्डी क्या कर रहा है यहाँ पर। ये ले भून डालूंगा, ये ले भूंज गया ना। हे भैया यार उसको भूंजा छोड़िए यार। चलिए सोते हैं यार, सुबह अपने घर की ओर निकलना है। ओए तू बेड तो लगाएगा। हाँ भैया लगा रहा हूँ यार। ये क्या नहीं लग रहा। ओए लीव्स के ऊपर बेड लगेगा पागल कहीं के। हे भैया मैं सोच रहा था यार लग जाएगा। लगता है भैया हम लोग को थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। वो तो चलते हैं ना, जल्दी सोते हैं, नहीं तो कोई सोल्जर ना रात को आ जाए। The next day. Hey, भैया गुड मॉर्निंग यार, जल्दी उठ जाइए यार। ओए मुन्ना उठ गया। ओए ये चिकन क्या कर रहा है यहाँ पर। हे भैया चिकन को छोड़िए यार। आज हम लोग को घर चलना है ना, भूल तो नहीं गए। ओए नहीं मुन्ना नहीं बोला हूँ, टेंशन क्यों ले रहा है। आज तो मुन्ना घर पहुँच कर ही रहेंगे। ओए लेकिन मुन्ना देखना पड़ेगा अगल बगल कहीं सोल्जर तो नहीं घूम रहा है। हाँ भैया यार एक बार तो नजर मारना बनता है। ओए नजर क्या घूम तो रही है। ओए हे भैया कहाँ दिखा यार आपको। ओए उधर साइड है मुन्ना, मैं देख लिया। हे भैया यार मुझे, भैया यार सची में है यार। ओए तो मैं झूठ बोल रहा था क्या। हाँ भैया यार देखिए तीन तीन है यार। हे भैया यहाँ से स्नाइपिंग करिए ना यार। और रुक जा अभी देखता हूँ, तोड़ने कोशिश करता हूँ, निकल ले। हे भैया नहीं लगा यार आपका निशाना। ओए मुन्ना काफी दूर है। ओए ये ले। हे भैया अभी उन लोग को लगता है। भैया ये रहा एक सामने, भैया ये नीचे से आ रहा यार। लगता है मुन्ना अब तेरे भैया को स्नाइपिंग दिखानी पड़ेगी, बहुत हो गया, अब कुछ ज्यादा ही पास आ गए, पहले तू निकल ले। ओ नहीं लगा मुन्ना। हे भैया यार कैसी स्नाइपिंग कर रहा है यार। और ज्यादा ही पास आ गए, निकल ले। हे भैया अभी एक और बचा हुआ है। और रुक जा इसका भी टकला फोड़ ही देता हूँ। ये ले मुन्ना फोड़ दिया। हे भैया बहुत बढ़िया यार, बाल बाल बच गए, नीचे ही घूम रहे थे। ओए वही तो मुन्ना मैंने पहले नजर मार ली थी, एक ही आ रहा है, तू भी निकल ले। ए भैया नहीं लगी यार। ओए मैं नीचे कूद गया था, मैं क्या करूँ। ओए पासी आ गया, ये ले। ओए मुन्ना कुछ ज्यादा ही हेल्थ डाउन कर दी। हाँ भैया वो तो है यार। ए भैया ये रहा एक। ओए रुक जा, ओए ये क्या मैगजीन खत्म हो गई, रुक जा रिलोडिंग करना पड़ेगा। मैगजीन है तो ना मुन्ना। हाँ भैया ढेर सारी मैगजीन लाया था यार मैं। ओए रुक जा, ओए ये कौन मार रहा है। ए भैया लगता है कोई पास में आ गए यार। ओए कहाँ आ गए, अभी तो भागना पड़ेगा मुन्ना। हाँ भैया अभी भाग लीजिए, वही सही रहेगा यार। ओए पीछे से वार करता है, रुक जा भी मेरी ऑटो गन का लगता है इसने कमाल नहीं देखा है। ओए और तो नहीं है कोई आसपास। हे भैया संभल कर रहिएगा, कहीं से भी आ सकते हैं, पहले तो भैया हेल्थ फुल करते हैं। ओए हेल्थ अभी मुन्ना सही हो गई, अब तो टेंशन ना ले। अब देख ऑटो गन हाथ में आ चुकी है, अब इन नमूने को छोड़ूंगा नहीं, सबको तोड़ दूंगा। हे भैया संभल कर यार, वो ऊपर से ही आ सकता है, क्योंकि भैया वो पीछे से आया था। ओए तूने देखा था क्या, ये क्या है, इधर तो बहुत लंबी खाई है। हे भैया खाई को छोड़िए यार, इनको देखना है भैया, और भैया घर चलना है। और वो रहा ये ले, तोड़ दूंगा यहीं से और फोड़ भी दूंगा, देखा मुन्ना मार दिया ना। हाँ भैया यार यहाँ पर आपको स्नाइपिंग करनी चाहिए थी यार। वहीं से भैया दूर से ऑटो गन थोड़ी चलाई जाती है। और तो तू ही चला लेना, इतना बड़ा ऑटो गन चलाने वाला बनता है। हे भैया चलिए ठीक है यार, मुझे तो भैया बस घर पहुँचना है यार।
ओए तो मुन्ना मैं वहीं पर पहुंचाने की कोशिश तो कर रहा हूँ। और मुन्ना तू टेंशन ना ले, आज हम लोग किसी भी हाल में पहुंच कर रहेंगे। एक देख ये रहा, ओए रुक जा पहले हेल्थ फुल करने दे, काफी कम हेल्थ हो जाती है मुन्ना, हेल्थ का ध्यान नहीं रखता। हे भैया यार अभी थोड़ी देर पहले ब्रेड खाया था यार। ओए पहले ब्रेड खाने से पहले इन नमूनों को निपटाते हैं। ये ले देखा ना स्नाइपिंग मुन्ना भैया की। हे भैया यार आप स्नाइपिंग एकदम कमाल की करते हैं। चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं यार। ये देख मुन्ना मुर्गी यहाँ पर अंडा दे गई, रात को यहीं पर थी ना। हे भैया मुर्गी को छोड़े यार। अभी भैया अगल बगल बस दुश्मनों को देखना है, कहीं घूम तो नहीं रहे। ओए मुन्ना मुझे तो लगता है ये एरिया पूरी तरह साफ हो चुका है। हाँ भैया यार वैसे दिख तो मुझे भी नहीं रहे। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और क्या यार। ओए मुन्ना मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ, क्या पीछे थोड़ी जा रहा हूँ। हाँ भैया वो तो ठीक है यार, एक बार चारों तरफ नजर मार लेता हूँ। वैसे तो भैया कोई नहीं दिख रहा यार। तो चलिए घर की ओर बढ़ते हैं। ये देख गोलियां चली, ये रहा ये ले भैया पीछे हटिए यार। इनका तो भैया कुछ ज्यादा ही डैमेज है यार। ओए वही तो मुन्ना, मैंने वैसे एक मारी थी लेकिन उसको लगता है लगी नहीं। हाँ भैया अभी इधर ही से आएगा यार। ऑटो गन हाथ में ले लीजिए और रुक जा लेता हूँ। हे भैया यार कम से कम रिलोड तो कर लेते यार। ओए पहले हेल्थ फुल करने दे, और मैंने बोला था ना रिलोडिंग का ध्यान रखा कर। क्या बात है भैया, मतलब गन आप चलाइए रिलोडिंग का ध्यान मैं रखूं। ये रहे भैया दो ही यहाँ पर है। ओए रुक जा दो हैं, एक तो ये रहा। ओए रुक जा यहीं से तोड़ने की कोशिश करता हूँ। ये ले, हे भैया नहीं लगी, और अब तो लगेगी ना। और लग जा ना, ओए चला गया। हाँ भैया एक तो टपक गया। ए भैया वो रहा, दो आ गए। ये ले छोड़ूंगा नहीं, रुक जाइए भैया इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये ले मर गया ना भैया, मुन्ना बढ़िया से निशाना लगा। हाँ भैया लगा तो रहा हूँ। ये ले मर गया भैया लगता है। ओ मुन्ना तू भी ना इतनी गोलियां वेस्ट कर दी एक दुश्मन को मारने के लिए। हे यार भैया अभी अच्छा से चलाते बनती नहीं। ओए लगता है तुझे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अच्छी वाली। ओए हाँ भैया मैं बोलता तो रहता हूँ यार कि एक ट्रेनिंग दे दीजिए। और ट्रेनिंग एक नहीं होती है, बहुत दिनों तक चलती है। और ट्रेनिंग करने के लिए ना बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। हाँ भैया वो तो यार। भैया आप घर चलने के बाद मुझे ट्रेनिंग देंगे क्या? ओए चल ठीक है मुन्ना, इस बार से तेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। ओए चल पहले घर तक पहुँचने देगा। हाँ भैया यार पहले किसी तरह से घर तक पहुँचे। चारों तरफ भैया दुश्मन ही दुश्मन है, बस भैया अपनी नजरें निगाहें रखिएगा। ओए मुन्ना बोला था ना तेरे भैया की चील की निगाहें हैं, चारों तरफ नजर रखती है। ओए ओए ये देख इधर भी है क्या कोई? भैया उधर कोई नहीं है। चलिए भैया तब तक हेल्थ रिकवर करते हैं। चल हो गई रिकवर, अब आगे बढ़ते हैं मुन्ना। हाँ भैया अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मुश्किल वक्त कमांडो शख्स, मुश्किल वक्त कमांडो शख्स। ओए रुक जा मुश्किल वक्त, पहले वो देख सामने दुश्मन है। ए भैया तो टपकाइए ना। ओ ये देख टपका दिया, एक गोली मुन्ना निपट गया। इसी तरह से मुन्ना निशाना तुझे लगाना पड़ेगा। ओए हाँ भैया चलिए ठीक है यार। चलिए भैया यार अब रास्ता खाली है, अब हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। ओए मुन्ना बस आगे ही तो बढ़ रहे हैं। ओए ओए ये क्या, उधर भी एक दुश्मन है। रुक जा, ये ले टपका दिया। देखा मुन्ना एक गोली कमाल होता है। हाँ भैया अभी स्नाइपर की खूबियां यही होती हैं कि भैया एक फटका पड़ते ही दुश्मन की भैया छक्के छूट जाते हैं। ओए वो तो है, स्नाइपर मुन्ना बहुत कमाल की होती है। ओए चल मुन्ना, और मुन्ना ऑटो गन को हमेशा जब क्लोज रेंज हो तब यूज करना चाहिए। ओए हाँ भैया ये बात तो मुझे पता है, लेकिन भैया आप कभी कभी खुद ही नहीं यूज करते यार। ओए मुन्ना तेरा भैया पूरी तरह से ट्रेंड है। ओए ये कहाँ से आ गए? ये ले ओए बच गए मुन्ना, बात करते करते दुश्मन नहीं ध्यान दिया। हे भैया मैंने तो बात करी नहीं, आप ही ने बोला था यार। ओए चल पहले हेल्थ रिकवर करते हैं। ओए मुन्ना चारों तरफ निगाहें रखना है। ओए वो रहा एक सामने। ओए रुक जा इसको तो बम छुड़ाता हूँ। ए भैया डैमेज हो रहा है यार। ओए रुक जा भागना पड़ेगा, वैसे तो मुन्ना बम तो फेंक दिया है। ए भैया बम फेंक दिया और बम लगता है फट भी गया। ओए फट तो जाना ही चाहिए। ओए ओए बच्चा क्या? हे भैया यार बच गए यार। ओए तो चल भागते हैं यहाँ से, उधर बहुत सारे दुश्मन है। हे यार भैया लगता है वो हमारे पीछे ही आ रहा है। ओए तो मुन्ना आने दे, आज इसको स्नाइपर का फटका देता हूँ। ओए ओए आजा, ये ले फटका। देखा मुन्ना मार दिया ना। हे भैया और भी कोई मार रहा था क्या? ओए उसी ने मारा था मुन्ना, डैमेज दिया था। चल अब हेल्थ रिकवर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चल मुन्ना मुश्किल वक्त कमांडो शख्स। हाँ भैया ये हुई ना बात। तो चलिए भैया बढ़ते हैं आगे, और भैया पहुँचते हैं जल्दी से घर यार। मुझे घर की याद भी आ रही है। ओए तो मुन्ना बढ़ते हैं ना। ओए ये कौन मार रहा है? भैया कौन मार रहा यार? ओए ये क्या मर गए? हे यार भैया I think the girls with their nails done now.